हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, द स्ट्रीट गाय में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा बिजी था, सॉरी। तो दोस्तों, मैं कुछ दो तीन बेसिक टिप्स लेके आया हूँ जो मैंने लोगों से पूछी है और जो खुद ने भी एक्सपीरियंस की है। तो भाई, आपने टर्मा रोलर का कंसेप्ट सुना होगा, कुछ रोल करने की चीज़ रहती है जो अमेज़ॉन पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है ऑनलाइन मार्केट में। जो टर्मा रोलर क्या करता है कि आप अगर उसे सर पे घुमाओगे पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो वो वहाँ के टिश्यू जो है एक्टिवेट कर देता है, वहाँ की जो भी ब्लड आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो पावरफुल कर देता है, ठीक है, जिससे आपके बालों में ब्लड जमा हुआ रहता है और बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, तेज़ होती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि टर्मा रोलर ख़रीदने से अच्छा, टर्मा रोलर का काम क्या है कि वो एक एक्यूपंक्चर वाली जैसी चीज़ रहती है जो आपके सर में थोड़ी सी गड़ती है और जिससे क्या है ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो वही कॉम भी तो अपना सेम ही काम करता है, राइट। कॉम का भी वही कंसेप्ट है कि यहाँ इसके भी एक गड़ने वाले जो है कांटों जैसी चीज़ है, मतलब इतनी चुभती नहीं है बट नॉर्मल है, जो कि आप अगर थोड़ी देर तक, मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर तक सिर्फ इस फ्लो में, ठीक है, याद रहे कि सिर्फ अपने को स्ट्रेट फ्लो में घुमानी है, उसे आड़ा तिरछा नहीं घुमाना है जिससे कि बालों के रूट्स को हार्म पहुंचे, ठीक है, इसे स्ट्रेट घुमाना है, ये इस फ्लो में घुमाओ, ये आप बोल रहा हूँ मैं तुमको सिर्फ 10 मिनट घुमाओ, सिर्फ 10 मिनट आप बालों में कुछ ऐसा हेवी थोड़ा महसूस करोगे, मतलब ये उसका साइन रहेगा कि आपके बालों में ब्लड आ चुका है, ठीक है, बालों में ब्लड का सप्लाई बढ़ चुका है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट रहता है, खाली पे लिए डर्मा रोलर का पैसा खर्चने से अच्छा है अपना अपना गरीब चीज़ अच्छा है ना, ठीक है। तो यही चीज़ है एक डर्मा रोलर की। फिर बाद में मैं खाने के लिए कुछ सोचा कि इंटरनल कुछ सप्लाई होने के लिए प्रोटीन्स का भी एक टिप्स दे दूँ। बादाम चीज़ है जो, ठीक है, वो थोड़ा महंगा आता है बादाम, जो कि है विटामिन ई का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, ठीक है, बादाम। और फिश जो है वेजिटेरियन लोग खाते नहीं होंगे, ऑब्वियसली फिश नहीं खाते हैं। तो मैं उसके लिए एक ऑप्शन ढूंढा हूँ कि जो ग्राउंड नट रहते हैं, इसको आप क्या बोलते हो यार, वही दाने रहते हैं जो ग्राउंड नट के, मूंगफली थोड़ा भूल जाता हूँ, जो मूंगफली रहता है दोस्तों कि उसमें भी विटामिन ई मस्त प्रमाण में रहता है, अच्छी प्रमाण में रहता है। तो उसे क्या करोगे आप, रात को सोते वक्त है ना, थोड़ा सा कुछ 50-30 ग्राम मूंगफली जो है, मूंगफली के दाने वो भिगो के रख दो, सुबह उठ के उसे खा लो, ठीक है। तो उससे क्या है, विटामिन ई और आपका ब्लड है अच्छी तरह बढ़ेगा। आप किसी डॉक्टर से भी कंफर्म कर लो, किसी से भी कंफर्म कर लो कि भाई रात को मैं अगर मूंगफली के दाने भिगो के रखता हूँ, सुबह उठ के खाता हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये दो टिप्स हो गए। तीसरा टिप रहेगा आपका बालों को मसाज कैसे करना है दोस्तों, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं रोज़ मसाज कर रहा हूँ लेकिन बाल आ क्यों नहीं रहे, बाल बढ़ क्यों नहीं रहे बाल। ये देखिए ऐसी चीज़ है कि, और मुझे ये सवाल भी पूछा गया है कि मैं बालायाम कर रहा हूँ, बालायाम जो आपको बहुत से लोगों ने ये बताया होगा कि यहाँ पे इस पोर्शन में घुमाओ, सिर्फ इसी पोर्शन में घुमाते रहो, लेकिन बालायाम का दोस्तों कैसा है कि उसका इफ़ेक्ट आने के लिए आपको कम से कम है ना 3 साल चाहिए, ठीक है, 3 साल। सो बालायाम का कैसा रहता है कि दोस्तों 3 साल तक आपको उसका क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद आपको साइंस दिखेंगे, ज़रूर देखते हैं उसके रिजल्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। उसमें क्या चीज़ रहता है कि वही आप जब ये चीज़ करते हो तो इससे कुछ सिग्नल्स पास होते हैं ब्रेन में, उससे क्या है कि ब्रेन वो पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो तेज़ कर देता है, जो कि आपके सर को अच्छी तरह ब्लड का सप्लाई होता है और आपके बाल बढ़ने में मदद होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं बोलता हूँ कि बालायाम में कैसा होता है कि एक स्टेज आती है कि जहाँ पे आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बालायाम में एक स्टेज आती है, कुछ 3-4 महीने बाद आपको महसूस होगा कि आपके बाल गिर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहता है कि लोग बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं 3-4 महीने से कि
बाल गिरना स्टार्ट हो गया है, बाल पूरा मतलब डेंसिटी हट गया है, पूरा स्काल्प दिखने लगा है। तो हाँ दोस्तों, ये सही बात है कि आपके बाल झड़ना भी स्टार्ट हो सकते हैं उसमें, तो छोड़ना नहीं है होप्स, उसे करते रहना है, ठीक है। अगर आपने करना स्टार्ट ही कर दिया तो उसे पूरा करो, ठीक है। बाद में ये था कि कॉर्न जो रहता है, कॉर्न भुट्टे जो बोलते हैं आप, जिसे भुट्टा बोलते हो, भुट्टे में भी अच्छा विटामिन ई, विटामिन सी है जो आपके बालों के ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसे क्या करना है कि भुट्टे को भी आपके भुट्टे के दाने जो है आपको रात को रख देने हैं पानी में और सुबह उठ के खा लेने हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि वही कंसेप्ट है कि ब्लड और उसमें फाइबर भी अच्छा रहता है, जो बाल आपके बाउंसी हो जाएंगे, अगर पढ़ते हैं तो बाउंसी हो जाएंगे, जो आप डांस विंस करते हो तो बाल अच्छी तरह खेलते कूदते नज़र आएंगे आपको, ठीक है। इंशाल्लाह ऐसे ही सबके बाल भी नज़र आए, ठीक है। और एक कंसेप्ट है दोस्तों कि हम लोग सोचते हैं कि पूरी रात भर तेल लगाएंगे बालों में, पूरा दिन भर तेल लगा के घूमेंगे तो जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी बालों की। देखो दोस्तों, क्या रहता है कि आप तेल लगाओगे, दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग फॉर हेयर ग्रोथ, लेकिन कैसा रहता है कि किसी भी चीज़ की एक एक्सपायरी, लाइक किसी भी चीज़ के काम करने की एक क्षमता रहती है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आप ऑयल लगाते हो, दैट इज़ गुड थिंग, बट ऑयल लगाने के बाद अगर आप समझो चल रहे हो, नाच रहे हो या फिर जिमिंग कर रहे हो, तो आपको पसीना आ जाता है, राइट। सो तो पसीना और वो ऑयल, वो दोनों मिक्स होकर ना दोस्तों आपके बालों को हार्म कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रहे कि बालों में तेल लगा रहे हो लेकिन आपको पसीना वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। और बालों को कम से कम ना 2-3 घंटे बाद धो डालो, अगर आप तेल भी लगाते हो तो। यही कंसेप्ट है अगर आप बालों में प्याज का जो भी जूस वीस लगा रहे हो, बहुत यूट्यूब पे आजकल बहुत वायरल वीडियोस चल रहे हैं, प्याज लगाते हैं तो बाल बढ़ते हैं, बाल पूरा घना हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं, यस वो सब सही चीज़ें हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं रखो। जैसे कि हम समझो प्याज काट के रखा है, समझो किसी भेल वाले ने या फिर किसी दुकान वाले ने प्याज काट के रखा है, और थोड़ी देर बाद अगर हम समझो उसने 2 घंटे पहले काट के रखा है तो उसमें एक स्मेल आने लगती है अजीब सी, तो हम बोलते कि भैया ये फिर से काट के दे, ये क्या ख़राब हो गया, एक्सपायर हो गया प्याज, बास आ रहा है इसमें से। तो वही चीज़ रहती है कि अगर बालों में अगर आप पूरी ओवरनाइट अगर वो जूस लगा रहे हो प्याज का, तो आपके बालों में वो जहर पैदा, मतलब हार्म कर सकता है बालों में, बालों का रूट सड़ा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रहे कि ज़्यादा देर तक प्याज बीज जो भी ऐसी चीज़ें हैं जूसी वाली, वो ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है। वही चीज़ें लाइम जूस के बारे में भी, लाइम और गार्लिक भी बोलते हैं लोग, तो लाइम और गार्लिक अगर घिसोगे तो भाई रूट्स नहीं बचेंगे आपके, वो बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड साइट्रिक एसिड रहता है जो आपकी स्किन को पूरी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, डेड कर सकता है, पूरी ड्राई कर सकता है, ठीक है। नींबू के बारे में कभी कॉन्सेंट्रेटेड लगाना नहीं है, नींबू को या तो फिर ऑयल में मिक्स करके लगा या फिर पानी में मिक्स करके लगा, ठीक है। और वही 2 घंटे बाद धो डालो, ज़्यादा देर तक रखो नहीं। ये कंसेप्ट हुए कुछ जूसेस के बारे में, और बाकी आता हूँ मेरी वीडियोस के बारे में। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं एडिट विडिट कर नहीं पाता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है। मेरी कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है या फिर मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, जो मुझे फील होता है, जो मुझे सुनाई देता है, मैं यहाँ वहाँ से सुन के आप सबको चीज़ें बताता हूँ ताकि आप सबको उन सब चीज़ों का फ़ायदा हो, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए, मैं कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह भी डाल नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैंने देखा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं मेरे, मैं तो मतलब रातों रात ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि जैसे कि बारिश हो रही है सब्सक्राइबर्स की, तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो रही है, क्योंकि बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब एक एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसके पीछे मुझे यही लाइक नोटिफाई करता है कि लोग फ्यूचर में भी वीडियो देखना पसंद करेंगे, मेरा वीडियो इनको पसंद आ रही है, और कुछ कुछ लोगों ने कहा कि मैं इसे मतलब यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे फ़ायदा भी हो रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। सो प्लीज़ वीडियोस देखते रहिए, और आप ही के लिए है। अगर मैं बाहर जाके कुछ सोशल वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, किसी की चीज़ या फिर किसी को पैसे की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक यूट्यूब एक ज़रिया पकड़ा हूँ सोशल वर्क का, तो बस इसी को मैं कायम रखूँगा, और वीडियोज़ देखते रहिए और सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, ताकि मेरा एक भी वीडियो यहाँ पे मोनेटाइज नहीं है, तो मेरे कोई इनकम हो नहीं रहा यूट्यूब से, ठीक है।
तो बस सब्सक्राइबर देखते ही मुझे खुशी मिलती है, अलग खुशी रहती है कि लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कंसेप्ट रहेगा। आपसे सब्सक्रिप्शन मैं मांगूंगा नहीं या फिर गिड़गिड़ाऊंगा नहीं कि मुझे सब्सक्राइब करो। बस वीडियो देखने के बाद अगर लाइक या सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लग जाता है कि भाई इसको पसंद आई ये वीडियो और इन लोग मुझे फ्यूचर में भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते रहिए, लोगों से बातें शेयर करते रहिए कुछ टेंशन विंशन हो तो, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और गॉड वर्शिप में भी बिलीव करिए। अच्छा है अगर स्ट्रेस भी हो आपको कुछ ज़्यादा तो गॉड वर्शिप करोगे, दैट इज़ द बेस्ट वे जो आपको आपके स्ट्रेस से बचा सकता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।